हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं भी सुबह सुबह उठी और मुझे इतना ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा। पेट में दर्द इन सेंस भूख के लिए मुझे इतना ज़ोर से भूख लगने लग गई। फिर जब मैंने देखा तो 5 बज रहे थे और फिर 5:20 हुए तो मैंने बोला कि चलो अभी उठ जाते हैं। बहुत ज़ोर से लग रही, अच्छा भी नहीं है भूखे रहना इतने सुबह उठे। एक बार आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखा देती हूँ, तो ये देखिए सुबह के 5:25 हो रहे हैं। लगाया बॉयल तो है ये, बट गर्म करने के लिए 5:25, समझ रहे हो 5:25 कितना होता सुबह के। जो 9:30 बजे उठने वाले हैं ना हम, जैसे उनसे पूछो 5:25 कितना होता है, क्योंकि मेरा विष्णु का वही टाइमिंग है। वैसे कल रात जब हम सोए थे तो फिर हमने सोचा कि चलो हम जल्दी उठेंगे, 6 बजे का आराम भरा है, ठीक 35 मिनट बाद वो अलार्म बजने वाला है। सोच रही हूँ बंद कर दूँ, क्योंकि जब हम रात को बात कर रहे थे तो तभी 1:30 बज रहा था, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं है लग रहा कि नींद वगैरह आ रही है, अगर नींद वगैरह आ रही तो मैं तो ले लूँगी, पर विष्णु दोबारा नींद नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके ऑफिस रहता है, तो इसीलिए देख रहे हो कितनी जल्दी सुबह प्रेगनेंसी में कितना जल्दी उठना पड़ता है। अगर भूख लगती है मुझे, जब मेरी जब आँख खुले तब भूख लगती है, जब मेरी आँख खुलती है ना मैं वॉशरूम नहीं जाती हूँ, सबसे पहले मैं कुछ खाने के लिए आती हूँ, कुछ ऐसे खाने के लिए आती हूँ जो हेल्थी सा हो। और अभी क्या है ना, घर में फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए रोटी तो रखे, अब कौन रोटी गर्म करे, सब्जी निकाले वो नॉर्मल हो, बाकी की चीज़ें तो घर में दूध रखा था, मैं सोची कि बॉयल तो है बस गर्म करना है, बॉर्नविटा डालना है, चीनी डालनी है, बस हो जाएगा, तो अभी वैसे ही ले लूंगी। फाइव थर्टी हो रहे मॉर्निंग के, मैं अंदर गई और अपना कप लेके उसको चलाने लगी, तो चलाने से विष्णु की आँख खुल गई। तो पैसे बोले जाओ बाबू इतना देर करोगे, सुबह के 10 बज गए। तो हाँ तो क्या मेरा 10 बजे शौक, तो मैंने नहीं, मैंने टाइम देखा 5:33 हो रहे थे। इतनी सुबह भी ना मेरे को कोई चाहिए बात करने के लिए। तो परसों की बात है, परसों यानी मेरे हिसाब से जब मैं वीडियो बनाई तो आज है फ्राइडे, परसों की बात यानी कि बुधवार की बात है। मैं जस्ट ऐसी बैठी थी, बुक में कुछ काम कर रही थी, कुछ खास नहीं। उसके बाद फिर मैंने मेरे ना पेट में कुछ हरकत होने लग गई। सोची यार बड़ा अजीब सा लग रहा है पेट में, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, अजीब सी चीज़ लग रही है। ये 2 हफ्ते से था ये चीज़, बट उसके बाद फिर मैं सोची क्या चीज़ है। मैं देखती हूँ तो पेट एक तरफ से हल्के से ऊपर हो रहा, नीचे हो रहा, मेरे को समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद एसिडिटी वगैरह की वजह से। फिर परसों की बात है वेडनेसडे की, ये व्लॉग आपको सैटरडे को मिला होगा, आज आप सैटरडे देख रहे होंगे, बट जब मैं शूट करी तो फ्राइडे है। तो मैंने क्या किया, मेरे हाथ में कभी फ़ोन नहीं रहता था, जिस टाइम भी ये हरकत होती थी या कुछ होता था मोमेंट। उसके बाद मैं कुछ काम कर रही थी बुक में और फ़ोन भी था मेरे हाथ में, अचानक फिर कोई हरकत होने लग गई। फिर मैं सोची मैं पक्का उसको रिकॉर्ड करूँगी क्या चीज़ें, क्योंकि हरकत होती है पता नहीं चलती, वो छोटी माइन्यूट सी होती है, मुझे पता नहीं चलते। उसके बाद मैंने फ़ोन लिया, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, और उसके बाद जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, ठीक है, जब मैं देख रही थी नॉर्मल तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बट जब मैंने वीडियो देखा पहली बार नहीं पता चला, दूसरी बार एकदम गौर करके ना मैंने देखा, तब छोटी सी हरकत हुई, और फिर मैं रिकॉर्ड करके देखी। उसके बाद मैं सोची कि विष्णु पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। मैंने बोला मैंने वीडियो चला दिया, संजय भी था घर पर, परसों की बात है। तो मैंने विष्णु को दिखाया तो अरे
तो हरकत हो रही है अंदर, उनको दिख गया। तो मैंने संजय को भी दिखा, संजय बोलता कि हाँ अंदर पता चल रहा है हरकत हो रही है, बाहर से पेट पे से पता चल रहा था। तो पहले एक बार मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ। देखा, बहुत छोटी सी हरकत है, पता नहीं कितने लोग उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। नहीं देख पा रहे तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे लेके जाओ, फिर से वो वीडियो देखो। बहुत छोटी सी हरकत है, फिर मुझे लगा पता नहीं वही हरकत है आसिफ जी की वजह से, किसकी वजह से। फिर मैंने आज फ्राइडे के दिन, अभी बज रहे हैं 3, 3 बजे कम से कम मैंने वो किया, मैंने गूगल सर्च पे किया कि जो बेबी की मूवमेंट है ना वो, अरे यार धीरे बोल लो ना। 3 बजे ऐसे मैंने गूगल पे चेक किया, उसके बाद मैंने देखा किसमें लिखा है, चलो मैं ही बोल लेती हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि उसमें लिखा होता है गूगल में जो बेबी की हरकत होती है ना वो 16वें हफ्ते से लेके 24वें हफ्ते तक मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो मेरा इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट मैंने किसी को बताया नहीं कि कौन सा मेरा क्या चल रहा है, डेट क्या है, बस मैं आगे पीछे बताती हूँ। मेरे माइंड में है कि अभी कितना चल रहा है, एग्जैक्ट कौन सा डे है, कितने हफ्ते हो चुके हैं, कितने महीने हो चुके हैं, जो पर मैं एग्जैक्ट किसी को नहीं बताती। या मैं डिलीवरी पता है सबको कौन से मंथ में है, डेट तो मैंने कि डेट तो आगे पीछे हो जाती है। किसी किसी को मैंने वीक भी नहीं बताया कि कौन से वीक में डिलीवरी डेट है मेरी। तो फिर मैं क्या बोल रही थी, अरे मैं भूल जाती हूँ क्या बात कर रही थी, अक्सर ऐसा होता है। आवाज़ कम करना थोड़ा, मैं शूट कर रही हूँ। फिर हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, 16 से 24 हफ्ते का जैसे मैंने देखा आज, मैं एकदम शौक हो गई थी। अच्छा कुछ हरकत थी, वहाँ पर एकदम अजीब सी हरकत होती है। तो एक्चुअली बीच में कॉल आ गई थी, सो मैं कहाँ थी, मैं बोल रही थी कि मैंने हाँ विष्णु से फिर मैंने पूछा कि क्या मैं ये डाल सकती हूँ वीडियो, तो वही जो वीडियो भी आपने देखा वो मैंने डाला है, तो मैंने परमिशन के साथ ही डाला है। मेरे नेक्स्ट मंथ है शादी अगस्त में, तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ बता दो यार, एक महीना बाकी है कि मैं क्या पहनूँ, क्या कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि गर्मी भी रहेगी और मैं दवाई भी लेती हूँ थोड़ी। क्या वैसे तो मेरे मन में ना क्या चल रहा है, गाउन लंबा सा और ऐसे फुल हैंड्स का पहनूँ पूरा, बट भी सोच ही रही हूँ, हम दोनों सोच रहे हैं कि मैचिंग का पहने, तो क्या सही रहेगा पता नहीं, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेशन में कमेंट करके। यार भूलना नहीं प्लीज़, ये ज़रूर याद रखना कि मैं क्या पहनूँ। तो विष्णु के ऑफिस का जो लैपटॉप है वो ख़राब हो चुका है, सो कॉल किया था ऑफिस में, फिर भैया आए, फिलहाल वो ठीक करेंगे और देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। फिलहाल ये कोशिश जारी कि चल रहा है, क्योंकि काम भी इनको स्टार्ट करना है। तो मैं अभी बाहर जा रही हूँ कुछ लेने के लिए, क्योंकि अभी चाय और कॉफ़ी बनेगी, तो मुझे ज़ोर से भूख लगी है, थोड़ी देर पहले खाना खाया है, तो मैं सोची कि खाना तो रखा हुआ थोड़ा चटपटा भी हो जाए, फिर चाय का भी समय हो गया, 4 तो बज गए। तो विष्णु का जैसे कि है लैपटॉप, मैंने दिखाया कि ठीक नहीं है, तो वो ठीक हो रहा है, उसमें टाइम लगेगा, तो मैंने बोला मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में, बाहर से कुछ लेके, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। स्माइल प्लीज। थोड़ा और स्माइल कर दो।